हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज सिखाऊंगी लेडीज थंब सॉक्स। ये बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखो, मैंने 3 कलर लिए हुए हैं और 10 नंबर की मैं सिलाई यूज कर रही हूँ। वो 47 मैंने फिंदे इसमें डाले हुए हैं और एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखें, अब हम ये वाला कलर लगा लेंगे। एक, दो, तो यहाँ पे मैं मुझे 22 फिंदे बुनने हैं। 22 फिंदे बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, 22 फिंदे मैंने बुन लिए। अब यहाँ पे देखें, एक फिंदे को मैंने स्लिप करना है। अब यहाँ पे देखें, एक दो हो गए, तीन, इनको लूज लूज बिनना है, चार, और ये पांच, छः। अब ये हमने, ये देखें, एक दो तीन चार पांच, पांच फिंदे हमने बना लिए, तो 9 फिंदे हमारे पास ये बढ़ चुके हैं। तो एक फिंदे से मैंने 8 फिंदे यहाँ पे बना लिए। अब फिर से एक फिंदे को हम उतार लेंगे, बाकी फिंदे हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पूरी रो मैंने कंप्लीट की। अब इधर से देखें, डिजाइन की दूसरी सिलाई, पहली रो कंप्लीट हो गई, अब ये दूसरी। अब सारे फिंदे इस तरह से हमें उल्टे उल्टे बनाना है। जो स्लिप किया हुआ फिंदा हम स्लिप कर लेंगे। ये देखो, स्लिप किया हुआ फिंदा स्लिप कर लिया। अब यहां से देखें, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, तो 9 फिंदे हमने बिन लिए और स्लिप किया हुआ फिंदा हम फिर से स्लिप कर लेंगे और पूरी रो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब देखें, इस तरह से हमने डिजाइन को डाल लिया। अब हमें ये वाला कलर फिर से लगाना है। इसको मैं सीधा सीधा बिनूंगी। इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखें, अब उल्टी साइड, उल्टी साइड से हमें उल्टे ही उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। सीधी साइड पे ये इस तरह से रहेगा। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब फिर से देखें, यहाँ पे 4 सलाई हम ये ब्लू कलर की निकालेंगे, सादा सादा। सीधी साइड हम सीधा बुनते हुए इसको निकालेंगे। तो यहाँ तक डिजाइन तक आ जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, यहाँ पे देखें, 4 फिंदे बनेंगे डिजाइन वाले। एक दो तीन चार, एक फिंदे को हम स्लिप कर लेंगे, जो बीच का फिंदा है जिस पे मैं डिजाइन डालूंगी उसको मैं स्लिप करूंगी, बाकी फिंदे इसी तरह से रहेंगे। ये दोनों तरफ से हम स्लिप करेंगे, 2 सलाइन में सिर्फ। तो ये पूरी रो इसी तरह से निकाल लेती हूँ। ये देखो, उतरा हुआ पता चल रहा है फिंदा, तो हम इसको फिर से उतार लेते हैं। पूरी सलाई इसी तरह से हम बुनेंगे। अब देखें, हमने वाइट कलर लेना है। अब वाइट कलर से मैं डिजाइन को बनाऊंगी, तो एक बार और देख लें तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से देखें, वाइट कलर, तो मैं इस तरह से वाइट कलर डिजाइन तक पहुंचती हूँ, बीच तक, फिर मैं आपको बता। देखें, डिजाइन में से 4 फिंदे हैं। एक दो तीन, तीन बिन लिए और फिर से हमने एक फिंदे को उतार लिया। अब ये मेरा उतरा हुआ फिंदा है, तो अब देखें डिजाइन में यहाँ से बनाऊंगी। ये देखें, एक दो हो गए, तीन पांच
सात और ये नौ। इस वाले फिंदे को इस तरह से मैं इसको छोड़ दूंगी, ये देखें, और फिर इसको स्लिप कर लेंगे। बाकी फिंदे इसी तरीके से रहेंगे। पूरी रो कंप्लीट करी, सिर्फ दो सलाइयों की डिजाइन है और चार सलाइयां हमें सीधी बुननी है। तो ये देखें, इसको मैं इधर से उल्टी साइड से सीधा बुनूंगी। देखो स्लिप किया हुआ फिंदा हम स्लिप कर लेंगे बाहर की साइड धागा। अब यहाँ पे नौ फिंदे इस तरह से बुन लेंगे, ये देखें, ये देखें, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है फिंदा, तो इसको इस तरह से ये देखें नौ फिंदे हमने बिन लिए यहाँ पे, और स्लिप किया हुआ फिंदा हम स्लिप कर लेंगे। बाकी फिंदे इसी तरीके से, यही तीन कलर चलेंगे और चार सलाई मैं ब्लू कलर की निकालूंगी, फिर पिंक कलर की निकालूंगी, दो सलाई डिजाइन वाली। तो इसी तरह से हम ऊपर तक बनाएंगे। तो ये चार सलाई इस तरह से, बीच में हमें एक फिंदे को दो सलाइन में सादा बनानी है, फिर दो सलाइन में हमें एक बीच का जो सेंटर का फिंदा है उसको उतार लेना है दोनों तरफ से। ये देखें इस तरह से इसको बुनते जाना है। बीच में ये फ्लावर बनते जाएंगे और साइड साइड पे डिजाइन बनती जाएगी। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा। देखो मैंने बना लिया है, यहाँ पे देखें कितने फूल पड़े हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच फूल डाले हुए हैं। अब पाँच फूल के बाद मैंने ये देखें यहाँ पे चार सलाई निकाल ली है सादा सादा, और एक हमने इधर से उल्टी बनाते हुए कंप्लीट की है। अब देखें हमें हाफ हाफ फिंदा करना है इसमें, तो हाफ फिंदे हम इधर बिन लेंगे। ये हाफ फिंदे बनेंगे, देखते हैं इसमें कितने फिंदे बनते हैं। यहाँ पे मैंने 44 फिंदे कर लिए हैं, और 44 फिंदे यहाँ हैं, और एक फिंदा मैंने ये एक्स्ट्रा डाला था, तो एक फिंदे को एक्स्ट्रा है। अब हमने यहीं से सिलाई को पलट लिया है। अब ये मेरा सेंटर का फिंदा है, और इधर से मैंने इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे पूरा दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। पूरी रो इसी तरीके से, ये हाफ हाफ फिंदे हो गए हैं। हाफ हम अलग बनाएंगे, हाफ इसको हम फिर बनाएंगे बाद में, इसको बना लेते हैं पहले इसी तरह से। इसमें हम ना कोई फिंदे बढ़ाएंगे ना हम घटाएंगे, इसी तरह से हमें बुनते रहना है। तो छह सलाई मैं इधर से निकालूंगी, छह सलाई उधर से निकालूंगी। तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। देखो हमने छह सलाई निकाल ली है। अब गिनना किस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छह, तो छह सलाई मैंने टोटल निकाल ली है, छह इधर से और छह उधर से, टोटल 12 सलाई। आप देखें उल्टी तरफ से इसको दो का एक करते हुए मैं उतार दूंगी इस तरह से, इस तरह से मैं उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो अब इधर भी हमें सेम इसी तरीके से बनाना है जिस तरह हमने इधर बनाया है।
दोनों साइड पे उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं इसको कंप्लीट करूंगी। तो कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने उतार लिया है, अब मैं इसको सिलना बताऊंगी। तो सिलेंगे किस तरह से, ये देखें, ये कोना और यहाँ तक, ये इस तरह से इसको सिल देंगे। इसको भी इस तरह से मिलाएंगे दोनों को और ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे हम पक्का कर देंगे, इसको हम कट कर देंगे। अब यहां से लेके इस तरह से यहाँ तक इसको सिलेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसी तरह से इसको सिल लेती हूँ। फिर आपको मैंने इसको सिल लिया है, इसकी फिटिंग भी बहुत सुंदर आई हुई है। ये देखें, ये बैक साइड और ये देखें, ये बहुत सुंदर बनी हुई है।